हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, सुजलॉन एनर्जी में और एक धमाकेदार न्यूज़ आई है जिसके कारण हो सकता है मंडे को हमें इसमें तेजी देखने को मिले। क्या है न्यूज़, आइए जानते हैं सुजलॉन की न्यूज़ के बारे में। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। ये दोनों भी सर्विस के लिए आपको कोई भी एडवांस पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कल वीडियो बनाकर सुजलॉन को एक ऑर्डर मिली, तो वो आप न्यूज़ जान ही चुके होंगे। अगर नहीं देखा होगा वीडियो तो जाकर देख सकते हो, कल का ही वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि सुजलॉन को नई ऑर्डर मिली, कौन से मिली, कहाँ से मिली। बट अब उसके अलावा एक नई धमाकेदार न्यूज़ आई है। सुजलॉन ने नोटिफिकेशन देकर बताया है कि उन्होंने जो लोन लिया था 28 अप्रैल 2022 को, कहाँ किससे लिया था, REC से। जी हाँ, REC जो कि आप जानते हैं पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, उसे जो लोन दिया है वो कंपनी ने पूरा लोन पेड कर दिया है, चुकता कर दिया है। ये बड़ी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि REC की ओर से उनके जो नॉमिनी डायरेक्टर थे मिस्टर अजय माथुर, ये अभी बोर्ड में नहीं रहेंगे, मतलब लोन चुकता कर दिया है तो इनकी बोर्ड में रहने की ज़रूरत नहीं है। जनरली जो बड़ी कंपनियां होती है, जब भी कोई बड़ा लोन देती है तो उसी बोर्ड पे ध्यान देने के लिए अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, जो कि हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में के मीटिंग में अटेंड करते हैं और उन्हें पता होता है कंपनी में क्या चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। बट जब REC का पूरा लोन ही चुकता कर दिया है सुजलॉन ने, तो उनके नॉमिनेटेड डायरेक्टर जो है, उनके तरफ से जो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे, उनको अभी वो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं रहेंगे, ये नोटिफिकेशन देकर बताया है। और साथ में ये भी कंपनी ने बताया है कि REC से लिया हुआ लोन पूरा कंपनी ने चुका दिया है। कंपनी ने अभी फंड रेजिंग किया था 2000 करोड़ का, आपको याद होगा, और उसमें कंपनी ने बताया भी था कि इसमें से हम लोग 1500 करोड़, करीब 1500 करोड़ हम लोग लोन पेमेंट के लिए करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, कंपनी ने जो कहा था वो कंपनी ने कर दिया है। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी सुजलॉन के लिए, क्योंकि आप जानते हो कंपनी पे लोन बहुत ज़्यादा था, करीब 2000 करोड़ का लोन कंपनी पर है, और अगर इसमें से लोन कम हो जाएगा तो कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन जो कि हर क्वार्टर में 60 करोड़ से 80 करोड़ रहता है, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, और जब इंटरेस्ट बर्डन नहीं रहेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। इसका हमें इफ़ेक्ट मेनली देखने को मिलेगा थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में, क्योंकि अभी जून तो ख़त्म होने को आ गया है, सेप्टेम्बर ख़त्म होने को आ गया है, तो सेप्टेम्बर क्वार्टर में इसका इतना इम्पैक्ट हमें देखने को ना मिले, बट दिसंबर क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में हमें सुजलॉन के जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें इंटरेस्ट का जो पेमेंट है, पे आउट है, वो काफ़ी कम होते हुए दिखेगा और उसका प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखेगा। बट ये लोगों को पता है, लोगों को अभी एंटिसिपेशन है कि आने वाले क्वार्टर्स में इंटरेस्ट का बर्डन सुजलॉन पे से कम हो जाएगा इस न्यूज़ के कारण। तो ये दो पॉजिटिव न्यूज़ सुजलॉन पे आई है, एक तो ऑर्डर मिली है और दूसरा कंपनी ने लोन चुकता कर दिया है REC का पूरा के पूरा। तो इसके कारण आने वाले हफ्ते में सुजलॉन में हम अच्छी तेज़ी देख सकते हैं। और वैसे भी सुजलॉन का शेयर ज़्यादा गिरा नहीं है, फ्राइडे को ओनली 1% माइनस में गया था, जो कि 25.20 रुपीज़ पर क्लोज हुआ था, और अभी RSI भी काफ़ी करेक्टेड है। तो हो सकता है ये हफ्ते में हमें सुजलॉन में तेज़ी देखने को मिले, और मार्केट भी अगर पॉजिटिव रहा तो इसका जो 52-week हाई है 27 रुपीज़, उसको क्रॉस करके ब्रेकआउट भी शेयर दे सकता है। तो लेट्स होप कि ऐसा ही हो। और कंपनी ने बहुत बड़ी न्यूज़ दी है धमाकेदार, कि कंपनी ने लोन चुकता किया है, तो उसका भी डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें मंडे में शेयर पे देखने को मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।